वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैरी है और एनवायरमेंट के सेशन में हमने पिछले सेशंस में कुछ एलिफेंट रिजर्व्स जितने भी हैं भारत के उन सबको डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेजर एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एरियाज जो हैं इंडिया में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? पहले पढ़ेंगे मेजर एलिगेटर और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एरियाज इंडिया में कौन कौन से और कहाँ पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है गुंडी नेशनल पार्क। ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क स्टूडेंट आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक, फिर आपका आ जाता है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह है आपका राजस्थान में। फिर भितरकानिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह है आपका उड़ीसा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, भितरकानिका। फिर आ जाता है आपका नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी उड़ीसा में है। फिर आपका जाता है सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ज्यादा नहीं है आपके एलिगेटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एरियाज, पांच ही है मेजर। कौन कौन से? गुंडी है, गुंडी नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु, फिर आपका चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, भितरकानिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा, नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा, सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा। तीन तो देखिए आपके उड़ीसा में ही ऐसे ही याद हो जाएंगे, चंबल आपका राजस्थान में है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फिर गुंडी नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में। ठीक, ये थे आपके मेजर एलिगेटर और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एरियाज भारत के। अब आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि आखिर डिफरेंस क्या होता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में। ठीक है, अभी तक तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, नेशनल पार्क थे, बायोस्फीयर रिजर्व थे इंडिया के, सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम उनके बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए नेशनल पार्क क्या है, पहला डिफरेंस क्या होता है कि नेशनल पार्क दे आर फुली कंट्रोल्ड बाय क्या है, गवर्नमेंट। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, फिर डेवलप्ड फॉर ए स्पेसिफिक एनिमल लाइक टाइगर, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट एंड डायनोसोरस, ये किसी जो है स्पेशल टाइप के एनिमल्स के लिए जो है ये डेवलप होता है नेशनल पार्क। ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, यहाँ पे किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी करना मना है। ठीक है, फिर आपका जाता है इट्स बाउंड्रीज आर डिटरमाइंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल प्रोसेस, क्योंकि ऑब्वियसली ये सरकार द्वारा है, पूरी सरकार की देखरेख में है, तो इसकी बाउंड्रीज और सब कुछ कौन डिसाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल प्रोसेस के थ्रू ही डिस्क्राइब होती है। फिर टूरिज्म यहाँ पे अलाउ होता है, आप नेशनल पार्क में जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं। दीज एरियाज आर साइंटिफिकली एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज, ठीक है, साइंटिफिकली जो है एडमिनिस्टर किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे पर्सनल एक्टिविटीज जो है अलाउड होती है। नेशनल पार्क में क्या है आपका, ये देखिए पर्सनल एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे किसी भी तरीके का नेशनल पार्क में आप पर्सनल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंसानी इंसानों का दखल देना थोड़ा सा अलाउड होता है। ठीक, स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कंजर्व, अब यहाँ पे कई तरीके की जो है स्पीशीज का कंजर्वेशन होता है आपके जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कई तरीके की स्पीशीज का कंजर्वेशन होता है। ठीक, नेशनल पार्क में क्या होता है, एक ही प्रकार के जानवर का या फिर स्पीशीज का कंजर्वेशन होता है, यहाँ पे डाइवर्सिटी, कई सारे नंबर्स ऑफ जो है स्पीशीज का कंजर्वेशन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सट्रैक्टिंग टिम्बर और कनेक्टिंग हनी, फ्रूट्स, बेरीज एक्सेट्रा आर अलाउड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट इन नॉन कमर्शियल फॉर्म इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया, फिर आपका हनी प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन हो गया, फ्रूट्स का हो गया, सब कुछ जो है लिमिटेड तौर पर अलाउ होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, लेकिन हाँ लिमिटेड तरीके से आप वहाँ पे ये ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है। इसकी बाउंड्रीज कोई भी जो है मेंशन नहीं है, डिमार्केटेड ही मतलब मेंशन नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, टूरिज्म यहाँ भी अलाउ है, दे आर साइंटिफिकली एडमिनिस्टर्ड मैनेज, ये भी साइंटिफिकली एडमिनिस्टर्ड और मैनेज होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट आ जाता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, देयर इज अ गवर्नमेंट कंट्रोल बट प्राइवेट एक्टिविटीज आर अलाउड इन एक्सटर्नल सेक्टर, अब ये भी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है पर यहाँ पे भी प्राइवेट एक्टिविटीज अलाउ होती हैं। ठीक, द एंटायर एंडेमिक इकोसिस्टम इज कंजर्व्ड,
पूरे ही इकोसिस्टम का इसमें देख रेख होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक रिसर्च, एनिमल एजुकेशन जो है, जू, यहाँ पे सब कुछ अलाउ होता है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक रिसर्च, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, टूरिज्म, बफर जोन्स ऑफ आर अलाउड इन द बफर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब जोन्स होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के भी, उसमें जो बफर जोन होता है उसमें सब तरीके की एक्टिविटीज लाइक आपका रिसर्च हो गया, आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन हो गया, जो भी खोज होती है, या फिर कोई साइंटिस्ट को कुछ भी अगर उनको रिसर्च करना होता है तो बफर जोन में कर सकते हैं, ठीक है। इट्स बाउंड्रीज इनकी भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल प्रोसेस के थ्रू तय की जाती है। टूरिज्म यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, ये मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, दोनों में टूरिज्म अलाउ है, पर बायोस्फीयर रिजर्व में टूरिज्म अलाउ नहीं होता है, ठीक है। दीज आर साइंटिफिकली एडमिनिस्ट्रेड एंड मैनेज, ये भी जो है साइंटिफिकली एडमिनिस्टर्ड और मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। ये था आपका डिफरेंस नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व में। आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।